21 न्यूज के साथ मैं हूं करत रैनबर्ग। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। शहरों का मास्टर प्लान एक बार ही बनता है। रिहायशी जगह को कमर्शियल करके कराची का हुलिया भी बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कोरंगी क्रॉसिंग में शादी हाउस किराने के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क। अदालत का शादी हाउस एसोसिएशन के वकील अरबर मंसूर को दहली दराए जमा कराने का हुक्म। ग्रेड 16 और उससे जायद कॉन्ट्रैक्ट अफसरान की रेगुलराइजेशन का मामला। सिंध हाईकोर्ट ने कमीशन इम्तिहान के बगैर कॉन्ट्रैक्ट अफसरान की रेगुलराइजेशन गैर कानूनी करार दी थी। अदालत का कहना है कि कुछ भी हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट अफसरान को कमीशन का इम्तिहान पास किए बगैर मुंतखिब नहीं किया जा सकता। सिंध असेंबली में प्री बजट सेशन क्यों नहीं बुलवाया? कायदे हिज्ब इख्तिलाफ अली मादल शेख का सिंध हुकूमत को खत। कहा रोल 147 सब रोल 2 के तहत 5 दिन के लिए प्री बजट सेशन असेंबली कानून के मुताबिक बुलवाया जाए ताकि बजट पर बहस की जा सके। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नवाब शाह में बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला की कॉलेज में लगाए गए फांसी मेले में भी शिरकत। गर्ल्स कैडेट की सलाहियतों को सराहा। खवातीन मुआशरे का अहम हिस्सा है। सिंध में लड़कियों की तालीम पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। मौलाना फजल रहमान से कहा था बच्चों के हाथों में ना खेलें, आप खराब होंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की क्यादत समझदार है। नून लीग को हजरत सराई की कीमत चुकाना पड़ेगी। इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकेगी। मुल्क भर में कोरोना की हलाकत तेजी जारी। 24 घंटों के दौरान मोहल्लिक वबा से 105 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 5312 नए केसेस रिपोर्ट। हलाकतों की मजमूई तादाद 15229 हो गई। जिला जुनूबी में एसओपी के खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया का एक्शन। डिफेंस खड्डा मार्केट और शहबाज कमर्शियल में कोरोना एसओपी के खिलाफ वर्जी पर 6 सैलून को सील कर दिया गया। कोरंगी अल्लावाला टाउन में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेनकाम हो गए। बेकरी में 3 मुसल्ला डाकू की लूटमार। हजारों रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वारदात के फुटेज मंजर यहां पर। सिंध रेंजर्स की पुलिस के हमरा औरंगी टाउन में मुश्तरका कार्रवाई। डकैतियां करने वाले गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान से असलहा और मोबाइल फोन बरामद। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजमान स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर वारदातों में मुलव्वस है। सोल्जर बाजार में घर में चूल्हे के करीब लगा एसी धमाके से फट गया। हादसे में 2 खवातीन और 4 बच्चे जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोर्ट कासिम मोड़ के करीब कार और ट्रक में तसादुम के नतीजे में 1 शख्स जाबहक 1 जख्मी हो गया। हादसे में जाबहक और जख्मी को शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हल्का NA-75 डस्का में कल होने वाली री पोलिंग के लिए इंतजाम मुकम्मल। हल्के में 4000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। हस्ताक्ष तरीन पोलिंग स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। कोई खुद को कानून से बालातर ना समझे, बड़े बड़े माफियाज को कानून के नीचे ला रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का लाहौर में नया पाकिस्तान मंसूबे की तकरीब का खिताब। कहा मंसूबे से मुतालिक कानून पास ना होता तो बैंक पैसे ना देते। कानून पास करने पर अदलिया का मशहूर हूँ। पाक बहरिया की मैंगूस उगाओ मुहिम की इफ्तिताही तकरीब। मेहमान खसूसी कमांडर कोस्ट वॉइस एडमिरल जाहिद रियाज ने मैंगूस लगाकर मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक महकमा जंगलात सिंध और बलोचिस्तान के तापुर से
साहिली इलाकों में पौधे लगाए जाएंगे। मुहिम के तहत अब तक शाहबंदर से जिवानी तक 70 लाख मैंग्रोव लगाए जा चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत ना थम सकी। काबुल फौज ने ऑपरेशन की आड़ में मजीद 4 जवान शहीद कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2 रोज में शहादतों की तादाद 7 हो गई। बरतानिया के शहजादा फिलिप 99 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बकिंघम पैलेस के मुताबिक शहजादा फिलिप कुछ अर्से से बीमार थे। शहजादा फिलिप मलका बरतानिया एलिजबेथ द्वितीय के शौहर हैं। और व्हाट्सएप कार्यक्रम की अच्छी खबर, डेस्कटॉप से वॉइस और वीडियो कॉल कर सकेंगे। व्हाट्सएप का डेस्कटॉप फीचर इस्तेमाल करने वाले तमाम कार्यक्रम को ये सहूलत दस्तियाब होगी।